हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स मंडे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर लविंग होस्ट। तो आज बच्चों हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे किसी एलिमेंट्स के कारण। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा आर्क रिंग, तो आर्क रिंग के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके सेंटर पे। तो लेट देयर इज आर्क रिंग ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस की क्या है, हमारे पास आर्क रिंग है जिसका एंगल कितना है, थीटा एंगल पर। इसका हमने माना इस पे चार्ज जो है वो क्यू है और इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहां पर, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ होगी। तो बेसिकली इस पे चार्ज है हमारे पास क्यू और इसकी जो लेंथ है इस रिंग की, आर्क रिंग की जो लेंथ है वो आर इंटू थीटा होगी। तो ये हम बोल सकते हैं आर थीटा। ये Q है बेटा, है ना, इसको स्मॉल लेते हैं तो सही रहेगा। ये चार्ज हमारे पास प्लस Q का स्मॉल है, तो Q R by थीटा, इसका क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, देखते हैं एकदम। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले तो समझना पड़ेगा हमें कि हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लाइक हमारे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ by R square, तो हम यहाँ पे क्यों डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे DQ DQ DQ, तो बहुत सारे चार्जेस DQ DQ करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है KQ by R square, उसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सबसे पहले ये जो रिंग है इसे बाइसेक्ट कर लिया है, आर्क रिंग है जिसे बाइसेक्ट कर लिया है, और हमने बाइसेक्टर से एक अल्फा पे जाके, एक किसी एंगल अल्फा पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट डी अल्फा का लिया है, स्मॉल एलिमेंट जिसका एंगल कितना है डी अल्फा, और ये जो है हमारा इस पे जो चार्ज हमने मान लिया वो डी क्यू है। लेट द चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज डी क्यू। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेसिकली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण ऐसे बाहर की तरफ होगी, तो ये हमने मान लिया DE1 है। ठीक है, सिमिलरली हमने अपोजिट साइड में भी एक बाइसेक्टर एलिमेंट ले लिया है अल्फा का, अल्फा पे जाके एक डी अल्फा का एक एलिमेंट ले लिया है, ये हमने वही चार्ज पर भी कितना है DQ और ये एंगल कितना है डी अल्फा, ऐसा कुछ है। और इसके कारण में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बच्चों कहां आएगी, ये इस डायरेक्शन में ही होगी, ऐसे ही होगी, क्योंकि हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, तो हमने पता है ये क्या हो गया, DE2 हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है, तो बेसिकली ये अल्फा भी होगा और ये वाला भी अल्फा है, तो ये अल्फा होगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है DE1 और DE2, इसके कॉम्पोनेंट करेंगे। कॉम्पोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, DE1 cos alpha plus के DE2 cos alpha, ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली यहां पर देखें, ये हो गया हमारे पास DE2 साइन अल्फा और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा DE1 साइन अल्फा। ठीक है, DE1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया, स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट को हम अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चा वो कितनी होगी, के क्यू, चार्ज कितना है DQ, तो DQ अपॉन आर स्क्वायर, इसके बीच की और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आर, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पे DE2 की, तो DE2 भी बेसिकली क्या होगी, डिस्टेंस तो इक्वल ही है, तो ये भी DE2 के बराबर ही होगा, तो DE1 और DE2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होंगे, DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट होने के कारण, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगी, ओनली इसके कारण। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे जो ई नेट होगा, डीई नेट वो हमारा क्या होगा, 2DE cos अल्फा बोल सकता हूँ, DE1 प्लस DE2 इक्वल है, तो cos, तो 2DE1 DE cos अल्फा बोल दिया, ये 1 लगा दो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो बेसिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई नेट जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन ही होगा, डीई नेट का जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमने पहले क्या करा, हमने चार्ज डेंसिटी निकाल रखी थी लैम्डा, तो DE1 को हम थोड़ा सा रिजोल्व कर लेते हैं बच्चा। तो DE1 हमारे पास आएगा कि
डी क्यू, डी क्यू मतलब चार्ज है इस एलिमेंट का, तो डी क्यू को हम लैम्डा इंटू आर डी अल्फा बोल सकते हैं। कैसे सर, कैसे बोल सकते? तो देखो, हमने बोला डी क्यू, डी क्यू चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ होगी। अब स्मॉल एलिमेंट है ये जिसका एंगल है डी अल्फा, क्या है डी अल्फा, तो इसकी जो लेंथ होगी बेसिकली आर इंटू डी अल्फा होगी, और इसमें चार्ज कितना है डी क्यू, तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लैम्डा इंटू आर डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा के लैम्डा डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर। तो डीई वन की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, ये होगी हमारे पास के लैम्डा डी अल्फा बाय आर। अब हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो पुट करने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो ई नेट ये डी टू डीई वन, डीई वन की वैल्यू के लैम्डा डी अल्फा बाय आर इंटू कॉस अल्फा। लिमिट कहां से कहां तक पुट करें, देखो लिमिट के लिए बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, बच्चे पूरा का पूरा ड्राइव कर लेते हैं कहां से कहां तक क्या पहुंचना है, लेकिन लिमिट लगाना भूल जाते हैं। लिमिट जीरो से लेके थीटा तक लगा देंगे, बट बेसिकली हमने माना कहां से, बायसेक्टर से माना है बच्चा, बायसेक्टर से। तो बायसेक्टर से ये जो पूरा पार्ट होगा वो कितना होगा, थीटा बाय टू होगा, कितना होगा थीटा बाय टू। तो लिमिट जीरो से लेके थीटा बाय टू तक जाएगी, कितना, जीरो से, जीरो से थीटा बाय टू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो हमने क्या कहा कि 2k लैम्डा बाय आर हमारे पास बाहर आ गया, कॉस, कॉस अल्फा का क्या होता है बच्चा, साइन, साइन अल्फा, माइनस तो नहीं होता ना, है सर साइन ही होता है सर साइन, हाँ कॉस अल्फा का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस साइन आएगा, नहीं नहीं इंटीग्रेशन, हाँ सर साइन प्लस का ही आएगा, ठीक। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय, तो ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय आर करें, क्या बाय आर करें, ठीक है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय। अब इसके कारण थोड़ा सा जादू बताता हूं बच्चों, जादू क्या होगा कि मैंने बोला एक जनरल केस ले लेते हैं कि एक पूरी रिंग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं पूरी रिंग, तो मैंने बोला ये पूरी रिंग है ऐसी कुछ आर रेडियस की, चार्ज वही प्लस क्यू लगा हुआ है ऐसा कुछ, इसे लैम्डा से अपन चार्ज में भी डिवाइड कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय आर डी थीटा, आर थीटा, तो आर थीटा लगाएंगे तो हमें चार्ज आ जाएगा, बताऊं इसे करके आगे, तो इसको लगा सकते हैं देखो ऐसे 2k लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय 2, तो ये बेसिकली हमें चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, ये q है चार्ज, ठीक है। अब हमने क्या कहा रिंग के कारण निकालना है, पहले इसे रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद हम रिंग के कारण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, प्योरली रफ कर दिया है। अब देखो रिंग के कारण निकालते हैं, है ना, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, तो ड्यू टू रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो रिंग के सेंटर पे क्या होगा, एक रिंग है ऐसी, चलो देखो ये R की रिंग है, R रेडियस की रिंग है, इस पे भी चार्ज हमने मान लिया पॉजिटिव क्यू, तो इसके सेंटर पे निकालना है। दो तरीके बताऊंगा इसके, क्या दो तरीके, एक तो हमारा फॉर्मूला वाला तरीका, एक जनरल मेथड, जनरल मेथड देखते हो जाएगा एकदम मस्त, और इतना सटीक मेथड है, इतना प्योर मेथड है कि इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है सेंटर पे, तो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया क्या, 2k q अपॉन आर स्क्वायर थीटा क्यू 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 इंटू साइन थीटा बाय टू। अब थीटा क्या होगा, थीटा क्या है हमारे पास 360, तो 360 डिवाइडेड बाय टू, तो कितना होगा 180, 180 बेसिकली पाई होता है, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो हमारा क्या आंसर आएगा जीरो, आना भी चाहिए, देखो कैसे क्यों, डायरेक्ट अगर इसका बेस देखें तो हमने क्या कहा, हमने ये बायसेक्टर लिया इसका, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं बच्चों, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया dq का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी बेसिकली यहां होगी e1,
एलिमेंट के, इस एलिमेंट के अपोजिट भी एक एलिमेंट होगा ऐसा कुछ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E2। बेसिकली E1 और E2 की वैल्यू जो होगी वो K dQ/r² ही होगी, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये कैंसिल कर देगी, कैंसिल कर देगी। सिमिलरली अगर यहां पे लें तो इसके अपोजिट यहां पे आ जाएगा, यहां लेंगे तो इसके अपोजिट यहां आ जाएगा। तो बेसिकली सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी बच जाएगी, जीरो। कितनी आ जाएगी, जीरो। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो, जीरो। आर्यभट्ट ने जो दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, अरे जीरो किसने दिया था, इंडिया में तो हुआ अपना इजाज, जीरो के आगे अगर किसी को मल्टीप्लाई कर दे जीरो से तो जीरो बना देता है, एक के आगे अगर जीरो लग जाता है तो बहुत बड़ी संख्या होती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क रिंग तो हमने पढ़ लिया है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग भी हमने पढ़ लिया है। अब सेकेंड जो है हमारे पास, क्या सेकेंड, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन एक्सियल एक्सियल एक्सिस ना। तो यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन एक्सियल एक्सिस, ऑन एक्सियल एक्सिस एक्सिस। तो एक्सियल एक्सिस क्या होती है बेसिक, सर वो एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारा जो रिंग है उसके परपेंडिकुलर प्लेन हो और वो हमारे सेंटर से पास हो। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या करा, एक रिंग ली है, एक ये है हमारे पास रिंग, और रिंग हमारी बेसिकली ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, ये वाला प्लेन नहीं है, ये वाला प्लेन है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है और ये हमारा सेंटर है। तो इसी एक्सिस पर हमें किसी पॉइंट पी पर जो कि x डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यही एक अप्रोच है कि अगर हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो स्मॉल एलिमेंट के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करके पूरी रिंग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका चार्ज है डी क्यू, और इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये कुछ ऐसी होगी DE1। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बच्चा क्या है, लैम्डा, और लैम्डा, और इस पे चार्ज हमने मान लिया क्यू है, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी होगी 2π × r, r इसकी क्या है रेडियस, r इसकी क्या है रेडियस, ऐसा कुछ है, ठीक। तो इसके कारण हमने निकाला DE1। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ले लूं इस एंड पर तो यहां पे भी एक DQ का चार्ज, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले तो वो कुछ ऐसे होगी, ये DE2 होगी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सर क्यों होगा, सर ऐसा क्या हो गया, देखो मैं बताता हूं, ये R है, ये X है, बेसिकली ये भी R है, ये भी X है, और ये भी क्या होगा अंडर रूट, ये जो हमारी ऊपर वाली होगी ये कितनी होगी अंडर रूट r² + x² होगी, और नीचे वाली भी कितनी होगी अंडर रूट r² + x². तो बेसिकली ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल भी क्या होंगे सेम, तो ये L थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। सर ऐसा क्यों कर दिया, बेटा अपोजिट एंगल मैथ्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में। सर हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था, कोई बोले बच्चे हमने तो 8th क्लास में पढ़ लिया है ना, और किसने कहां कहां पढ़ा है चलो बता दो। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करेंगे बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास DE1 cos θ + DE2 cos θ। सिमिलरली यहां पे करेंगे तो DE2 sin θ, और ये हो गया हमारे पास DE1 sin θ, ऐसा कुछ हो गया। अब कंपोनेंट कर लिए, कंपोनेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, DE1 और DE2 की वैल्यू निकालते हैं। DE1 कितना होगा, K dQ स्मॉल एलिमेंट और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r² + x², तो ये हो गया हमारे पास r² + x², अंडर रूट का स्क्वायर था तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली E2 के लिए निकालें तो E2 के लिए भी यही आएगा,
क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, ये भी तो कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो ई नेट जो होगा बेसिकली हमारे पास वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वन होगा। क्या होगा? डी ई वन। अब डी ई वन में क्या है, एक दिक्कत है, डी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? डी क्यू की। तो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ठीक। तो हमने डी ई वन कर दिया, तो डी ई वन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वन की वैल्यू कितनी है, के एक मिनट, ई नेट जो होगा, अच्छा पूरा आएगा ना, क्योंकि ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, ई नेट लिख देते हैं, इससे ज्यादा सही है, ई नेट ऐसा कुछ। अब डी ई नेट की वैल्यू क्या होगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट जो होगा, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ई वन और ई टू हमारे इक्वल हैं, तो ये होंगे कैंसिल, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, टू डी ई वन कॉस थीटा, तो यहां लिख दिया हमने टू डी ई वन कॉस थीटा, ऐसा कुछ। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन टू डी ई वन, डी वन की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये एक ट्राइंगल है बच्चा, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है, तो बेस कितना है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू जो आएगी वो टू डी टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूं, ये 1 है, ये 1/√2 है, 1 और अंडर रूट क्या होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ टोटल चार्ज dq, टोटल चार्ज कितना है dq। तो अब चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये 2k x अपॉन r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज का मतलब टोटल चार्ज। अब देखो हमने क्या किया था, हमने ये वाली रिंग अलग से ली थी, जो ये वाला पार्ट होगा dq वाला, ये इस वाली हाफ रिंग का को कवर करेगा, और ये जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो एक हाफ रिंग को कवर करेगा, ऐसा कुछ होगा। टोटल रिंग पे चार्ज कितना था q, तो बेसिकली ये हाफ रिंग पर कितना होगा q/2, तो ये dq जो होगा वो हाफ रिंग का को कवर करेगा, तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा q/2 के बराबर, q/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कितना आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेसिकली बहुतों को ये चार्ज समझ में नहीं आता, सर ये q/2 क्यों लिखते हैं, तो q/2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमने एलिमेंट भी दो लिए, अगर हम सिंगल एलिमेंट लेते तो हमें एक ही बार लिखना पड़ता q। अब हमने दो एलिमेंट लिए, ऊपर भी और एक नीचे भी, तो एक एलिमेंट हमें हाफ रिंग कवर करेगा, दूसरा एलिमेंट हमें दूसरी हाफ रिंग, तो इसलिए चार्ज में हमने क्या लगाया q/2 का चार्ज लगाया, ठीक है बच्चा, ओके। तो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन अ एक्सियल एक्सिस, मतलब कि एक्सियल पर पी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kx अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब इसी में कुछ केसेस बना सकते हैं अपन, जैसे कि हमने बोला कि x को हम बड़ा मान ले, r को छोटा मान ले, या r को छोटा मान ले, x को बड़ा मान ले, तो वो केसेस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट केस देखते हैं, सर जी, सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा रहे हो, पर ये तो बता देते इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, है? तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, अभी यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो ही इसको जान पाएगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानता होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज है ना, ट्वेल्थ के यहाँ पे ट्वेल्थ का चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आता है, और वहां पे शॉर्ट वीडियोज है इस तरीके से। तो फर्स्ट हमारे पास केस है, बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, इसी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ। अब हमने केस नंबर 1 ले लिया कि x हमारा जो है ग्रेटर देन r है, x हमारा ग्रेटर देन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी पॉइंट पे निकाली थी सेंटर पे, थोड़ी सा
तो पी पॉइंट पर हमने बोला कि ये होगी के क्यू एक्स अपॉन, इसमें से हमने क्या किया, क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, आर स्क्वायर कॉमन ले, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बेसिकली क्या आएगा बाहर, आर क्यूब आएगा। देखो आर स्क्वायर बाहर आया और उसकी पावर 3/2 थी, तो 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा, ओनली क्यूब बचेगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने आर स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं जब ज्यादा सही रहेगा, एक्स स्क्वायर निकालते हैं, चलो एक्स स्क्वायर निकाला तो हमने बोला कि एक्स बड़ा है ना, आर थोड़ी ना बड़ा है, एक्स, तो एक्स क्यूब बाहर आया और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्स बहुत बड़ा है किससे, आर से, तो बेसिकली ये वाली जो टर्म्स है उसको जीरो कर सकते हैं, ये वाली जो टर्म्स है वो जीरो हो सकती है, तो ये हमने बेसिकली क्या कर दी, जीरो, तो बेसिकली जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमने बोला एक रिंग है बच्चों, क्या है, एक रिंग इस तरीके की, हमारे पास एक रिंग है, लाइक ये रिंग है हमारे पास, अब हमारे पास जो डिस्टेंस है एक्स वो बहुत बड़ी है इसकी रेडियस के कंपेरिजन में, ये जो हमारी डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में, तो रेडियस अगर बहुत छोटा हो गया है तो लाइक हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा, और पॉइंट चार्ज के कारण एक एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगी, तो बेसिकली ये भी कितना आया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन आर होगा, ठीक। अब सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस हो जाए कि हमारे पास जो रेडियस है वो ज्यादा बड़ी हो जाए, तो केस नंबर क्या है, 2, कि आर जो है वो ग्रेटर देन इनटू एक्स है, तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, तो हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे, हम अब आर कॉमन ले लेंगे, तो हमने बोला के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ बचेगा, ऐसा कुछ होगा। अब क्या करेंगे, हमारा r बहुत बड़ा है किससे, x से, तो बेसिकली इसको क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे, r हमारा क्या है, x से बहुत बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर तो ये हो जाएगा k q x अपॉन r q, k q अपॉन k q x अपॉन r q हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो आ चुकी हैं, और हमने क्या केसेस भी बना लिए कि हमारा x अगर रेडियस से बड़ा हो या फिर रेडियस हमारी x से बड़ी हो, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे रिंग के लिए, क्या है बच्चों, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और x में एक्सियल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर ग्राफ बनाना चाहूं, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट पर, तो वो हम कैसे निकालते हैं उसकी स्टडी देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो हमने क्या किया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसके कारण, एक्सियल लाइन पर एक्सिस के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना रहे हैं किससे, यहां पे एक्स हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई और एक्स के बीच का ग्राफ है ये बच्चों, ठीक है, किसके लिए, किसके कारण, रिंग के कारण, रिंग ड्यू टू रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो जो ये ग्राफ होगा इस इक्वेशन को देखते हुए वो ये लाइक इस तरीके से बनेगा बच्चों, ये और ये, ऐसा कुछ, और ये इसका मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव मैक्सिमा, ये नेगेटिव मैक्सिमा, इसकी जो वैल्यू आएगी ई मैक्सिमम, ये एक्स, x की किसी वैल्यू पर, जो कि मैं बता दूंगा वैसे तो, ये e मैक्सिमम, और यहां पे भी क्या होगा, e मैक्सिमम, e मैक्सिमम, ऐसा कुछ होगा। अब ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना आई थिंक आप सभी को आता होगा, निकाल के बता भी देते हैं अभी। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e, तो फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसे हम किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे बेसिकली,
और जहां से वो x की वैल्यू आएगी उसे निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी और वो पॉइंट भी आ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैक्सिमम हो रही होगी। तो देखते हैं, तो देखो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली नीचे वाले को करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली 3 बचेगा, नीचे वाली का स्क्वायर। अब क्या करेंगे ऊपर वाली, तो k तो यहां पे क्या है k क्यू कॉमन है, k क्यू तो कॉमन हो गया, x x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, होता है ना इसे क्या डिवीजन रूल वाला। डिफरेंशिएट में हम क्या करते हैं डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल में क्या करा नीचे वाली का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली का स्क्वायर और ऊपर में क्या लिखा ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन और नीचे वाली को हम ऐसे रख देते हैं, फिर माइनस ऊपर वाली को हम ऐसे रख देंगे और नीचे वाली का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा नीचे वाली का 3/2 आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि 3/2 आ गया बाहर तो 3/2 माइनस 1 होगा तो 1/2 बचेगा इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब ये सब तो जीरो में चला जाएगा बेसिकली, ये और ये जीरो में चला गया तो हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये 3/2 है ये 1/2 है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके ये 1 बना देंगे। तो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट हमने बोला कि ये हो गया आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो बेसिकली ये कितना बचेगा x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस आर बाय रूट, तो r बाय रूट टू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो r बाय रूट टू होगी, r बाय रूट टू प्लस के और ये होगी हमारे पास माइनस के r बाय रूट टू, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो क्या बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, तो इस x की वैल्यू यहां पुट कर देना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है, हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं सर डिफरेंशिएट करके जीरो रख देते हैं, जीरो करके फिर जो वैल्यूज आती है उसको हम पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है ये पॉइंट जो आता है ये एक्स ये क्या होता है हमारे पास टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट को हमने पुट कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिंग के कारण तो निकाल लिया हमने, तो किसके कारण बच्चा रिंग के कारण, अब हम यहाँ पे डिस्क के कारण निकालते हैं, किसके कारण डिस्क के कारण, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, तो मैं तो यहां पुट कर देता हूं डायरेक्ट डिस्क है ना, ठीक है ऐसा कुछ। तो डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, समझ में आ रहा है ना है या नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, चलो डिस्क के कारण देखते हैं। डिस्क हमने बोला कि डिस्क हमारी कुछ ऐसे होती है, ये हमने डिस्क मान ली डिस्क, अब डिस्क एक सरफेस है, क्या है सरफेस, तो सरफेस की तो क्या होती है लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसकी मान ली सिग्मा है, क्या है सिग्मा। चार्ज अगर लेना चाहें तो अपन इसमें क्यू चार्ज मान सकते हैं, ये प्लस क्यू मान लो या माइनस क्यू तुम्हारी इच्छा है ऐसा कुछ। अब इसकी जो लाइन है इसकी जो एक्सियल लाइन है जो कि सेंटर से पास होगी उस पर हमें निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस। अब यहां पे देखें तो अगर मैं इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग से मानू, छोटी छोटी रिंग से बना हुआ मानू, लाइक ये एक रिंग है वाई पे जाके एक स्मॉल रिंग जिसकी विथ विथ डी वाई है, क्या है डी वाई ऐसी कुछ, ये हमारी स्मॉल रिंग, तो छोटी छोटी रिंग से मिलके बना मानेंगे तो ये डिस्क कंप्लीट हो जाएगी। छोटी छोटी रिंग अगर लें यहाँ पे छोटी डी वाई की छोटी डी वाई की डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई तो पूरी रिंग को कवर कर लेगा ये ऐसा कुछ, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया। अब इस रिंग के कारण पी पॉइंट पे तो हम लिख सकते हैं ना अभी बनाया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस पे चार्ज भी हमने मान लिया डी क्यू, क्या है डी क्यू ड्यू टू रिंग इज क्या होगा ये हमने मूल्य डीई इक्वल्स टू कितना होता है के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है बेसिकली यहाँ पे वाई
रेडियस कितना है इसका y, तो y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ होगी कंडीशन। अब अगर हम बोले चार्ज, जो dq चार्ज हमने माना है यहां पे, dq चार्ज की वैल्यू अगर निकालें, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि यहां पे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज इंटू मतलब डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो ये चार्ज डेंसिटी हमारी क्या है सिग्मा, और एरिया कितना होगा इस रिंग का, रिंग का एरिया बोल सकते हैं 2πy, ये तो हमारी लेंथ होगी, इंटू dy। सर ये एरिया कैसे निकाला आपने, तो देखो ये रिंग जो है हमने, इस रिंग को हमने ब्रेक करके बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो ये जो है रिंग एक लेंथ बन गई, इसकी विथ, विथ जो है वो dy है, और लेंथ कितनी होती है इसकी 2πr होती है, तो 2π इंटू वाई, तो 2πy इंटू dy इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, हो गया समझ में आ गया। तो हमने यहां पे क्या करा, अब dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dq की वैल्यू कितनी है, k सिग्मा 2πy dy इंटू x अपॉन y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ आ गया। अब हमें e नेट निकालना है, किसके कारण, इसके कारण, तो हमें पता है e नेट जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dE होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद क्या पता चलेगा, देखो इंटीग्रेशन dq ये हम यहां से लेके आए ऐसे इस तरीके से, तो ये कितना होगा, जो बाहर आ रहा है वो उसे बाहर लेते हैं, तो बेसिकली कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2πk सिग्मा इंटू x, x भी तो क्या है हमारे पास, x जो है हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गई x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ। अब यहां पे वेरिएबल क्या है, ओनली y है, तो y को यहां अगर देखें तो सेंटर से स्टार्ट है, सेंटर पे हमने बोला 0 और यहां तक हमें जाना है r तक, तो बेसिकली लिमिट क्या आएगी इसकी 0 से r इसकी लिमिट हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2πk सिग्मा x, इसको पहले तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन इसका जो होगा वो बेसिकली इजी नहीं होगा, पहले हमें मानना पड़ेगा लेट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है वो t स्क्वायर के बराबर है, कितना t स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y into dy, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, t स्क्वायर का 2t प्लस के dt, ऐसा 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y dy की वैल्यू कितनी आएगी, t dt आएगी, और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का हमने मना है t स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर ई नेट को देखता हूं तो ई नेट हमारा होगा 2πk सिग्मा x इंटीग्रेशन ऑफ y dt की वैल्यू t dt, तो t dt डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो y स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2 को क्या लिखा है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो t क्यूब बचेगा। अब लिमिट क्या आएगी, पहले लिमिट y की पुट्टी, अब लिमिट हमारे पास t की, क्योंकि ये यहां पे dy था, यहां पे dt है, तो यहां पे dt की लिमिट आएगी, तो t की लिमिट देखते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, क्या y की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो लिमिट क्या आएगी x, तो बेसिकली यहां से क्या आएगी x से स्टार्ट होगी, y की वैल्यू अगर r, अपर लिमिट क्या थी r पुट करता हूं तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगी, तो यहां पे कितनी हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर हो जाएगी, ऐसा कुछ होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो e नेट जो होगा बच्चा वो होगा 2πk सिग्मा x 1/t² 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t माइनस के 1/t और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर और ये x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2πk की वैल्यू में पुट कर रहा हूं तो 4πε0 सिग्मा इंटू x अपॉन 1/x माइनस 1/ अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर 1/x अंडर रूट माइनस 1/√ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर आपने अपर लिमिट को उधर कैसे लिखा, क्योंकि बच्चों माइनस है यहां पे,
माइनस है, तो जब अपन माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो एक्स वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो मैंने सॉल्व डायरेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, पाई से पाई गया, टू से टू फोर गया, तो कितना आएगा ई नेट जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स को भी अंदर लेके जा रहा हूं, एक्स अंदर लेके गया, तो वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क डिस्क तो वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सिग्मा को अगर चेंज करना हो तो हम बोल सकते हैं यहां से कि सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये भी पुट करके हम चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क आ गया और वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ लिया। तो बेसिकली आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है किसी एलिमेंट के कारण, कि एलिमेंट के कारण लाइक डिस्क हो गया, रिंग हो गया। अब अगले उसमें हम गाउस लॉ वगैरह कुछ भी ले लेंगे, शॉर्ट वीडियोस टाइप की जो कम लेंथ की होगी तो उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और डू इट शेयर योर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है, ओके, बाय बाय।